ओके गाइस, तो यह हमारी ई कॉमर्स सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जहां पर हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट रैंकिंग को लेकर। देखिए, इस कोर्स में आपने बहुत कुछ सीखा, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो आता है वह आता है रैंकिंग को लेकर। अगर आपके प्रोडक्ट्स रैंक नहीं होंगे तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो किस तरह से इन प्रोडक्ट्स को रैंक करना है, इसके पीछे की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, कैसे हम प्रोडक्ट्स को रैंक करते हैं, किन किन पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना होता है, आज हम इन्हीं सब टॉपिक पर बात करेंगे। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के हम सबसे पहले पॉइंट की तरफ, जो कि आता है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का मतलब बेसिकली यह होता है कि Amazon आपके प्रोडक्ट को एक कीवर्ड के साथ अटैच करता है। अगर आपका प्रोडक्ट कीवर्ड के साथ अटैच नहीं होगा तो आप कितनी भी कोशिश करें आपका वह प्रोडक्ट रैंक नहीं होगा। अगर आप कैंपेन भी रन करते हैं तो कैंपेन में भी आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी लिस्टिंग पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ अटैच नहीं है। तो अब आप यह चेक कैसे करेंगे कि जो आपकी लिस्टिंग है वह एक कीवर्ड के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल, मैं जाता हूं अमेज़ॉन पर और वहां पर सर्च करता हूं मैं माउस। अब मैंने माउस सर्च किया तो वहां पर मल्टीपल लिस्टिंग्स आपके सामने आएंगी, बट जो हमारी लिस्टिंग है क्या वहां पर वह आ रही है या नहीं, इससे हमको यह पता चलता है कि हमारी जो लिस्टिंग है वह पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ अटैच है या नहीं। इसे हम एक टूल के माध्यम से चेक करते हैं। हालांकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे भी कवर करेंगे कि कैसे आप यह चेक कर सकते हैं कि आपकी जो लिस्टिंग है वह पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ अटैच है या नहीं। तो इस पर हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आता है सर्च इंजन। देखिए, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक इसी तरह से अमेज़ॉन का भी अपना एक सर्च इंजन है जिसे बोलते हैं A9 सर्च इंजन। जैसे गूगल का सर्च इंजन काम करता है गूगल के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए, लाइक यूट्यूब, लाइक ब्लॉगर, इसी तरह से अमेज़ॉन का सर्च इंजन काम करता है अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म्स के लिए। अब यह सर्च इंजन कुछ पॉइंट्स पर वर्क करता है। हम एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं या फिर आपका यूट्यूब पर एक चैनल है, वहां पर आपने देखा होगा कि जिस वीडियो का वॉच टाइम अच्छा होता है वह वीडियो रैंक होती है। मतलब गूगल का सर्च इंजन यह समझता है कि इस पर्टिकुलर वीडियो पर इंफॉर्मेशन सही है, तभी यूजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और लंबे समय तक देख रहे हैं। तो यह सर्च इंजन के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर वह यह सब चेक करता है। अब यह सारी प्रोसेस AI के माध्यम से होती है, मतलब बैकएंड पर कोई व्यक्ति नहीं है जो कि फिजिकली उसे चेक कर रहा है कि आपने किसी प्रोडक्ट को लिस्ट किया तो वह आपके कीवर्ड्स को चेक कर रहा है, उसे अटैच कर रहा, यह मैन्युअली नहीं होगा। यह सब होता है AI के माध्यम से, जिसके पीछे कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लिस्टिंग रैंक करेगी। अब हम बात करते हैं इन पॉइंट्स की। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वह आता है टाइटल। कोई भी बायर है, सबसे पहले वह आपके टाइटल को चेक करेगा कि आपने टाइटल क्या ऐड किया है। अब टाइटल को भी आप मल्टीपल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि आपको अपने टाइटल में ऐड करने होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट आता है वह आता है ब्रांड नेम का। जब भी आप टाइटल को क्रिएट करें तो ब्रांड नेम आपका हमेशा मेंशन होना चाहिए। ब्रांड नेम के बाद आप जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मॉडल नंबर भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद आपको करना है 1 से 2 प्रोडक्ट्स के कीवर्ड। फॉर एग्जांपल, आप माउस को लिस्ट कर रहे हैं तो माउस से रिलेटेड आपको 1 से 2 कीवर्ड वहां पर भी ऐड करना है। अगर आप कीवर्ड्स को ऐड नहीं भी करेंगे तब भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगर आप करते हैं तो इससे आपका एक परफेक्ट कीवर्ड बनता है। इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं बेनिफिट्स और यूज़। अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाकर टाइटल को बनाते हैं तो आप एक परफेक्ट टाइटल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, आपने बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से अपने टाइटल को बनाया है। दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट आता है वह आता है बुलेट पॉइंट। आप किसी भी लिस्टिंग को चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको नीचे कुछ बुलेट पॉइंट्स देखने मिलते हैं, जहाँ पर आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देखने मिल जाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। तो आपको अपने प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। अब बुलेट पॉइंट्स आप किस तरीके से बनाएंगे? फॉर एग्जांपल, कोई भी एक प्रोडक्ट है जिसे आप लिस्ट करने वाले हैं तो उस प्रोडक्ट की क्या मेन खासियत है, बुलेट पॉइंट्स में आप कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कौन कौन ऑपरेट कर सकता है, किस तरह से वह ऑपरेट होता है, क्या उसके बेनिफिट हैं, किस तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यह जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इन्हें आपको बुलेट पॉइंट में ऐड करना होता है। तो इससे होगा क्या कि यूज़र जब भी लिस्टिंग पर आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र बुलेट पॉइंट्स पर जाती है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट हैं, क्या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के एडवांटेज हैं।
तो बुलेट पॉइंट को आपको बहुत प्रॉपर तरीके से ऐड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आता है वह आता है डिस्क्रिप्शन को लेकर। डिस्क्रिप्शन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से फील करवा सकते हैं कि वह प्रोडक्ट कैसा होगा। अमेज़ॉन पर या फ्लिपकार्ट पर या फिर किसी भी मार्केट प्लेस पर अगर कोई व्यक्ति आता है तो वह इस प्रोडक्ट को महसूस नहीं कर सकता कि मुझे यह प्रोडक्ट इस तरह से मिलेगा, बट डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप यह करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर तरीके से उस प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है कि यह प्रोडक्ट है, इस तरह से यह ऑपरेट करता है, इस तरह से यह आपकी हेल्प कर सकता है पर्टिकुलर इस काम को करने के लिए, इस प्रोडक्ट के यह बेनिफिट हैं, इसके यह एडवांटेज हैं, इस प्रोडक्ट के माध्यम से आप यह कर सकते हैं। तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना होता है। जितने अच्छे तरीके से आप डिस्क्रिप्शन को ऐड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी जो लिस्टिंग है वह रैंक करेगी। क्योंकि मैंने आपको जैसा पहले बताया कि यहाँ पर कोई फिजिकल व्यक्ति नहीं है जो इन सारी चीज़ों को चेक कर रहा है, यह सब कंडीशन अप्लाई होती हैं एआई पर। यह सब जो काम करना है वह एआई को करना है, तो एआई इन पॉइंट्स के माध्यम से ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फिर बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका टाइटल है, जो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं, जो आपके डिस्क्रिप्शन है, वह परफेक्ट तरीके से प्रोडक्ट के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं, या फिर आपको उनमें किस तरह से और चेंजेस करने हैं। एक पॉइंट को यहाँ पर मैंने स्किप किया जिसे मैं अभी ऐड करता हूँ कि आपने टाइटल दिया तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपका कीवर्ड मेंशन है, आपको एक से दो कीवर्ड ऐड करने हैं। ठीक इसी तरह से आपको अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड जो हैं वह बुलेट पॉइंट्स में भी ऐड करने हैं। देखिए इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि बैकएंड में जो कीवर्ड्स काम करते हैं उसके साथ यह डेटा फेच होगा, मतलब अगर कोई व्यक्ति माउस को सर्च करता है तो आपकी लिस्टिंग के आने की प्रायोरिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में, बुलेट पॉइंट्स में और टाइटल में हो सके तो एक बार आप कीवर्ड्स को जरूर यूज़ करें। नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट आता है वह आता है Amazon EBC का, एनहांस ब्रांड कंटेंट। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो ब्रांडेड लिस्टिंग होती हैं उसमें आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाती है। जैसे ही आप उसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको लार्ज साइज में इमेजेस देखने मिल जाती हैं, इसे हम बोलते हैं Amazon EBC। आप अपनी लिस्टिंग को जितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी लिस्टिंग रैंक करे, क्योंकि कोई भी बायर आता है तो वह सबसे पहले आपकी लिस्टिंग में यह चेक करता है कि कितना सिस्टमेटिक तरीके से आपने काम किया है। हो सकता है कि आपका प्राइस वहां पर ज़्यादा भी हो, आप सामने वाले सीलर से 50 रुपये या 100 रुपये उस प्रोडक्ट को महंगा सील कर रहे हैं, बट आपके पास ही ऑर्डर आएंगे क्योंकि आपने सिस्टमेटिक तरीके से अपनी लिस्टिंग को ऐड किया है, प्रॉपर वहां पर इन्फॉर्मेशन को मेंशन किया है। सामने वाले की लिस्टिंग में हो सकता है कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेंशन ना हो कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट है, बट आपने उसे क्लियर मेंशन किया है तो बायर को यह क्लियर जानकारी हो जाती है कि यह प्रोडक्ट इस तरीके से ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो Amazon EBC को भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात आती है वह आती है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी लिस्टिंग को रैंक कराने में। अब कीवर्ड्स पर हमारी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने आपको मल्टीपल तरीके बताए हैं। कुछ ऐसे एडवांस टूल होते हैं, कुछ ऐसी एडवांस वेबसाइट हैं, एनालिटिक्स हैं, जिसके माध्यम से हम बेहतरीन कीवर्ड पर रिसर्च करते हैं। यह एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने कवर किया है कि किस तरह से आप परफेक्ट कीवर्ड को रिसर्च करेंगे, बट यहाँ पर हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आपको कीवर्ड बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ऐड करना है। आपको रेलेवेंस कीवर्ड भी ऐड करने हैं। कीवर्ड बेसिकली दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड। जैसे कि माउस, यह शॉर्ट टेल कीवर्ड है, गेमिंग माउस यह लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अगर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड को टारगेट करेंगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, आपके सामने बड़े ब्रांड्स आएंगे क्योंकि उनकी लिस्टिंग ऑलरेडी रैंक है। बट अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज़ करेंगे जैसे कि गेमिंग माउस या एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो इसमें क्या होगा कि जो कंपटीशन है वह थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप इसे और लॉन्ग बनाते जाएंगे तो जो आपका कंपटीशन है वह बहुत कम होता जाएगा, बट इस पर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कीवर्ड्स की कि लिस्टिंग करते समय आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से कीवर्ड्स को भी डालना होता है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं जैसे कि डेस्कटॉप। अब बहुत सारे यूज़र हैं जो डेस्कटॉप को डेस्कटॉप बोलते हैं, बट बहुत सारे यूज़र हैं जो कि उसे कंप्यूटर बोलते हैं, बट बहुत सारे यूज़र ऐसे भी हैं जो कि उसे पीसी बोलते हैं। तो डेस्कटॉप, कंप्यूटर, पीसी ये तीनों एक ही चीज़ हैं, बट अलग अलग तरीके से इन्हें सर्च किया जाता है। अगर मुझे कंप्यूटर का कोई भी सामान लेना है
तो हम सर्च करेंगे कंप्यूटर माउस या डेस्कटॉप माउस या पीसी माउस। तो इस तरह से आपको यूज़र को भी ध्यान में रखना है कि वह यूज़र उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस किस तरीके से सर्च कर रहा है। तो इस तरह से आपको अपनी लिस्टिंग में कीवर्ड्स को भी ऐड करना होता है। वीडियो में डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहता हूँ, बट अगर आप सीरियस हैं ऑनलाइन बिजनेस को लेकर, आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे ई कॉमर्स के ए टू जेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इस कोर्स में हमने आपके सारे डाउट्स दूर किए हैं, कैसे हम एक पार्सल को पैक करते हैं, कैसे हम पार्सल को मंगाते हैं, GST की फाइलिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट को रैंक कैसे करते हैं, सेल रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर 50 से 60 वीडियो ऐसे हैं जो कि हमने प्रैक्टिकल क्रिएट किए हैं। करीब 10 घंटे का यह टोटल कोर्स है और मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया है तो आपको ई कॉमर्स का एक्चुअल नॉलेज मिलेगा। अगर आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाएँ, फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, आप तक कोर्स पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। नेक्स्ट, और यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वह आता है प्रोडक्ट की कैटेगरी को लेकर। देखिए, अगर आप चाहें तो आप डिफरेंट कैटेगरी में भी लिस्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारे केस में ऐसा पॉसिबल हो जाता है कि आप डिफरेंट कैटेगरी के अंदर भी लिस्टिंग को कर सकते हैं, बट अगर आपने प्रॉपर कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं किया है तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आपके पास ऑर्डर्स कम आएंगे क्योंकि आपने डिफरेंट कैटेगरी में ही लिस्टिंग को क्रिएट किया है। तो आपको चेक यह करना है कि जिस प्रोडक्ट को आप लिस्ट करने वाले हैं वह किस कैटेगरी में आ रहा है। क्या वह इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ रहा है, या फिर वह इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज के अंदर आ रहा है, या फिर वह कॉम्बो में आ रहा है, या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक सेपरेट कैटेगरी है। तो इसे चेक करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह यह हो सकता है कि आप जाएं और बाकी सेलर्स को भी आप देखें कि उन्होंने किस कैटेगरी में से लिस्ट किया है। मल्टीपल लिस्टिंग्स को आप ओपन करें तो आप क्लियर यह समझ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट को आपको इस कैटेगरी में लिस्ट करना है। अगर आप चाहें तो आप कैटेगरी वाले सेक्शन पर जाकर और अच्छे तरीके से भी इसे अरेंज कर सकते हैं। तो कैटेगरी का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करें तो कैटेगरी को हमेशा चेक करें कि वह प्रोडक्ट सही कैटेगरी में है या नहीं। अगर सही कैटेगरी में नहीं होगा तो प्रोडक्ट रैंक नहीं करेगा क्योंकि उसकी कैटेगरी डिफरेंट है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की। आपने अपनी लिस्टिंग में बहुत सारे पॉइंट्स को ऐड किया है, जैसे कि टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर कुछ और बेहतरीन पॉइंट्स की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वह आता है रेटिंग का। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को लेने जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं उस प्रोडक्ट के रिव्यू चेक करूँगा कि पर्टिकुलर वह प्रोडक्ट कैसा है। ऑलरेडी किसी यूज़र ने उसे परचेज़ किया है तो उसने अपना फीडबैक क्या दिया है, उसको कैसा वह प्रोडक्ट लगा, क्या एक्चुअल में वह प्रोडक्ट इस तरह से है जैसा कि उसे लिस्टिंग में बताया गया है। तो यह सब एक बायर को रिव्यूज़ के माध्यम से पता चलता है। आपका अगर प्रोडक्ट सही होगा तो आपके प्रोडक्ट पर पॉजिटिव रिव्यू ही आएंगे। अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है तो उस प्रोडक्ट की रेटिंग कभी नहीं बढ़ेगी, हमेशा उसको नेगेटिव ही रिव्यूज़ मिलेंगे। तो आपको चेक सबसे पहले यह करना है कि जो आपका प्रोडक्ट है क्या वह एक्चुअल में सही है या नहीं। अगर वह प्रोडक्ट सही नहीं है तो आप उसे मत बेचिए, क्योंकि वह एक प्रोडक्ट रेटिंग को ख़राब कर देगा। यूज़र जब प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, अगर वह प्रोडक्ट उसे अच्छा लगता है तो वह उसकी रेटिंग भी देता है। अब रेटिंग को आप और किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं, वह यहाँ पर पॉइंट आता है पैकेजिंग को लेकर। अगर आपने कोई भी एक पॉली बैग में प्रोडक्ट को डालकर सिप कर दिया तो हो सकता है कि आपको प्रॉपर रेटिंग ना मिले, क्योंकि आपने सिर्फ पॉली बैग में प्रोडक्ट को डाला और उसे सिप कर दिया। बायर्स की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी कि उसे पर्टिकुलर प्रॉपर बॉक्स में एक प्रोडक्ट मिलेगा, बबल रैप होगी, पैकेजिंग सॉलिड होगी, ब्रांडिंग होगी। तो अगर आप इस तरह से भी प्रोडक्ट को भेजते हैं तो वहाँ पर एक अलग अट्रैक्शन बनता है। बट आपने किया क्या कि नॉर्मल पॉलीबैग के अंदर प्रोडक्ट को रखा और उसे सिप किया। तो रिव्यूज़ जो हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी लिस्टिंग को इम्प्रूव करने में, उसे रैंक करने में। तो हो सके तो इन दो पॉइंट्स को आप हमेशा चेक करें कि जो आपका प्रोडक्ट है क्या वह सही है, और आपने पैकेजिंग उस प्रोडक्ट की किस तरह से की है। बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आता है पेज व्यू को लेकर। अब इस चीज़ को मार्केट प्लेस बहुत प्रॉपर तरीके से ट्रैक करते हैं। आपके प्रोडक्ट की एक लिस्टिंग है, उस पर्टिकुलर लिस्टिंग में एक बायर आया, उसने उस लिस्टिंग को चेक किया और वह चला गया। किसी दूसरी लिस्टिंग को उसने चेक किया, फिर वह चला गया। तो इससे होता क्या है कि एक बाउंस रेट जनरेट होती है।
कि बायर उस लिस्टिंग पर आया, उसने लिस्टिंग को चेक किया और उसने उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया। अगर ऐसा मल्टीपल टाइम होता है तो बैकएंड पर जो एआई बैठा है वह उस चीज़ को समझ जाता है कि यह प्रोडक्ट सही नहीं है, क्योंकि बायर तो उस प्रोडक्ट पर आ रहे हैं, वह पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्चेस में भी है, लोग आ रहे हैं उस प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं बट उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वह रैंक नहीं करेगा। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आपने प्रॉपर तरीके से उस लिस्टिंग को ऑर्गेनाइज ना किया हो, ना आपने डिस्क्रिप्शन को सही तरीके से ऐड किया, ना बुलेट पॉइंट्स को, ना टाइटल को, ना ही वहाँ पर आपने इमेजेस को ऐड किया। तो बायर को कन्फ्यूज़न होगा कि एक्चुअल में हम क्या ले रहे हैं या फिर किस तरह का प्रोडक्ट है। तो इस कारण से वह उस लिस्टिंग को छोड़कर किसी दूसरी लिस्टिंग में जाता है। तो इस चीज़ का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो आपकी लिस्टिंग है वह प्रॉपर तरीके से अरेंज हो। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह प्राइस का आता है। तो प्राइस का मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप किसी दूसरी लिस्टिंग से 50 या 100 रुपये प्राइस ज़्यादा भी रखते हैं तो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि जो आपकी लिस्टिंग है वह सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है। प्राइस का यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप कम प्राइस रखते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, बट अगर आप अपनी लिस्टिंग को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तब भी चांसेस होते हैं कि आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। अब इसके बाद किसी भी लिस्टिंग को रैंक करने में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वह आता है सेल्स रैंक। अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको सभी प्रोडक्ट की एक सेल्स रैंक देखने मिलती है कि पर्टिकुलर उस कैटेगरी में वह प्रोडक्ट कितनी बार सेल हुआ है। आप यह बहुत ही ईजिली चेक कर सकते हैं, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यह चेक कर सकते हैं कि इस कैटेगरी में वह कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि अभी सेल हो रहे हैं और टॉप पर हैं। तो सेल्स रैंक भी यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी उस लिस्टिंग को रैंक करने में। अगर आपकी सेल्स रैंक अच्छी है तो डेफिनेटली आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, बट एक सेलर से कुछ गलतियाँ भी होती हैं जिसके कारण सेल्स रैंक ख़राब भी हो जाती है। अगर आपका प्रोडक्ट बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है तो आपकी जो प्रोडक्ट की सेल्स रैंक है वह ख़राब हो जाएगी। अगर आप अपने प्रोडक्ट का बार बार प्राइस कम या ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट की सेल्स रैंक ख़राब हो जाएगी। तो पहले ही आप इन सारे पॉइंट्स पर रिसर्च कर लें कि कहाँ से आपको प्रोडक्ट को परचेज करना है, सामने वाले जो मैन्युफैक्चरर हैं या फिर जहाँ से भी आपने प्रोडक्ट को परचेज किया है क्या कितना स्टॉक सामने वाले मैन्युफैक्चरर के पास है। अगर आप आज ऑर्डर देते हैं तो कब आपको वह प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप उसे आउट ऑफ स्टॉक होने ही ना दें। प्राइस को आप एक बार सेट कर लें, बीच में आप उसे चेंज कर सकते हैं, बट मेरा कहना यहाँ पर यह है कि आप उसे बार बार चेंज ना करें। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट आता है जिसे हम पहले इंक्लूड कर सकते थे बट इसे हमने लास्ट में इंक्लूड किया, जो कि आता है प्रोडक्ट इमेजेस का। प्रोडक्ट इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी बायर सबसे पहले प्रोडक्ट की इमेज को चेक करता है। अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड रिजोल्यूशन होता है जो कि 1000 और 1000 पिक्सल में होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप प्रोडक्ट पर माउस को लेकर जाते हैं तो इमेज ऑटोमेटिक जूम हो जाती है। अगर इमेज का पिक्सल कम होगा तो बस जूम होने के बाद फट जाएगी, बायर को बहुत ही भद्दी सी इमेज दिखेगी। तो पहला हमारा अगर इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा तो वह उस लिस्टिंग को ज़्यादा देर चेक भी नहीं करेगा, हो सकता है कि स्किप करके किसी डिफरेंट लिस्टिंग में जाए। तो रैंकिंग में इमेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसलिए अदा करती हैं क्योंकि वह फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। अब इमेजेस को भी आपको प्रॉपर तरीके से ऐड करना है। सबसे पहले तो आपको साइज चार्ट के हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वाइट बैकग्राउंड में प्रोडक्ट का जो साइज़ है वह क्लियरली समझ में नहीं आता। कोई भी एक प्रोडक्ट है अगर आप वाइट बैकग्राउंड के साथ उसे लिस्ट करते हैं तो सामने वाला यह चेक नहीं कर सकता कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हाइट क्या है, उसकी साइज़ क्या है। तो इसे ऐड करने के लिए आप साइज़ ग्राफ को ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप किसी डिफरेंट प्रोडक्ट को उस प्रोडक्ट के साइड से रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि बायर को यह क्लियरली पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट का यह साइज़ है। अगर आप साइज़ को डिस्क्रिप्शन में टाइप करते हैं हो सकता है कि कई बार बायर उस पर्टिकुलर पॉइंट को चेक ना करे। तो इसमें भी दो कंडीशन हो सकती हैं कि वह बायर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करेगा बट जैसे ही वो देखेगा कि इसका जो साइज़ है जैसा उसने महसूस किया था या फिर जैसी उसे एक्सपेक्टेशन थी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से वैसा नहीं मिलेगा तो वो उसे रिटर्न करेगा। तो इससे आपका रिटर्न भी इंक्रीज होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने इमेजेस में ही क्लियर साइज़ ग्राफ को ऐड करें। प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ को आप मल्टीपल एंगल से क्लिक करें ताकि क्लियरली यह समझ में आए कि बैकएंड में प्रोडक्ट में क्या है, फ्रंट एंड में कैसा वह प्रोडक्ट दिखाई देता है, टॉप में किस तरह से वह दिखाई देता है, किस तरह का उसका मटेरियल है। तो यह सब आप इमेज के माध्यम से फील करा सकते हैं।
इमेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको इमेज को भी ऐड करना होता है, क्योंकि इस सारी चीज़ को मार्केट प्लेस बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। मार्केट प्लेस पर अगर कोई प्रोडक्ट बिकता है तो मार्केट प्लेस को प्रॉफिट होता है और इसी से उनकी कंपनी चल रही है, तो वह अच्छे प्रोडक्ट्स को टॉप पर रखते हैं ताकि बायर को सबसे पहले अच्छे प्रोडक्ट्स देखने मिलें। बट अगर आप किसी प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ाकर उसे टॉप में ले जाना चाहते हैं तो आपको इन पॉइंट्स को तो फॉलो करना होगा। Amazon या Flipkart या फिर कोई भी मार्केट प्लेस उन प्रोडक्ट को अपने बायर को सजेस्ट नहीं करता जिसकी रेटिंग ख़राब हो चुकी है, प्रोडक्ट क्या है सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, यह सब मार्केट प्लेस सब ट्रैक करते हैं। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझें कि बैकएंड में एक AI है जो कि बायर की हर क्वेरी पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिसर्च कर रहा है कि वह इस मार्केट प्लेस पर गया, इस मार्केट प्लेस से उसने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखा, इस प्रोडक्ट को देखा, फिर दूसरी लिस्टिंग पर गया उस प्रोडक्ट को देखा, फिर तीसरी लिस्टिंग पर गया जहां से उसने उस प्रोडक्ट को परचेस किया, तो पहले की जो दो लिस्टिंग थी उसे उसने क्यों परचेस नहीं किया, यह सब ट्रैक होता जाता है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लिस्टिंग को टॉप पर लेकर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।